अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अच्छी अच्छी बिरकत नवाज़े, आमीन। अच्छा दोस्तों, जैसे कि सीज़न की आमद है और हर भाई बहन जो है इस फील्ड में जो आए हुए हैं वो वक्स लगाना उन्होंने स्टार्ट कर दी है। टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर के ऊपर, कहीं पर ज़्यादा टेम्परेचर है कहीं पर कम है, तो टेम्परेचर को मद्देनजर रखते हुए हर भाई बहन ने वक्स लगाना स्टार्ट कर दी है। तो आज ये जो वीडियो बनाई जा रही है खासतौर पर न्यू फैंस की बनाई जा रही है, क्योंकि उनको अक्सर का नहीं पता होता कि हमने जब वक्स लगाने हैं उससे पहले हमें अपने बर्ड्स को कौन कौन सी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करनी है जिससे हमारा बर्ड जो है अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स कर सके। तो जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो से फायदा हासिल कर सकें। और जिन भाइयों ने मेरे ब्रॉडकास्ट में ऐड होना है तो वो दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मेरी ब्रॉडकास्ट में ऐड हो सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अक्सर अवकात हमें इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि हमारा बर्ड ब्रीड कर रहा होता है, न्यू फैंसर जिस तरह है अब वो बॉक्स लगाता है और उसके पास एग्ज़ आ जाते हैं, लेकिन जब उसको इतनी चीज़ों का पता ही नहीं होता वो ये होता है कि एग्ज़ आते रहते हैं और जो है अंदर जो है एग के अंदर बच्चा नहीं बनता, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो नहीं बनता। और वो भाई कहते हैं ये फर्टाइल हुआ है नहीं हुआ, एग के अंदर क्या हुआ है, बच्चे नहीं बन पा रहे, क्या इशू आ रहा है। ये इशू है बहुत अहम, इसमें हमने अगर इस चीज़ का हमें नहीं पता तो हमारे पास जो है हमारी ब्रीड भी वो कम से कम हो जाएगी, क्योंकि हमें जब पता होगा कि हमारे किस चीज़ में इशू आ रहा है जिसकी वजह से एम्ब्रियो नहीं बन पा रहा, एग फर्टाइल नहीं हो पा रहा है, उसकी क्या रीजंस है। मैंने जो है काफ़ी इस चीज़ के ऊपर टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई है, लेकिन उसमें ब्रीडिंग फार्मिंग से रिलेटेड भी वीडियो है, तो जिन भाई ने वो नहीं देखी वो देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने अपने वक्स लगाने से पहले अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करनी है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। वो इतनी ज़रूरी है कि जिस तरह एक बंदा है जो बीमार होता है जिसे हम पैनाडोल देते हैं वो उससे फ़ौरन ठीक हो जाता है, तो मेल के लिए भी ख़ास तौर पर ये मेडिसिन है। अगर हम अपने मेडिसिन ये सिर्फ 7 दिन का कोर्स अगर करवा लेते हैं अपने बर्ड्स को तो इससे जो है आपकी मेल की फर्टेलिटी का मसला हल हो जाएगा। अक्सर अवकात बर्ड्स के अंडे आते रहते हैं और उनमें बच्चे नहीं बनते, तो उसका खास तौर पर यही इलाज है। और ऐसा ना भी हो तो जिन भाइयों के पास बर्ड्स हैं जो ब्रीड करवा रहे हैं वो अपने जो ब्रीडिंग से स्टार्ट होने से पहले 7 दिन इसको लाजमी यूज़ करवाएं। इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, मेल को हीट पे भी लेके आता है, फीमेल को भी हीट पे लेके आता है, क्योंकि अक्सर अवकात बर्ड्स ब्रीड भी नहीं कर रहा होता और हम कहते हैं कि पेयर भी है और बच्चे मतलब कि बॉक्स में नहीं जा रहे हैं, हीट पर नहीं आ रही, फीमेल मतलब लेंग नहीं कर रही, मेल जो है रिस्पॉन्स नहीं करवा रहा, इसलिए कि हमें ये मेडिसिन यूज़ करवाएंगे तो इससे बहुत फायदा होगा। तो मैं आपको मेडिसिन शेयर करता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ। ये जो है हमारे पास है मेडिसिन, आप ये देख सकते हैं इम्यूनोटोन प्लस। अच्छा, ये मेडिसिन का बहुत ज़्यादा फायदा है, इसकी क्वालिटी का मैं जिक्र करूँगा, आपने किस तरह इस्तेमाल करनी है और कहाँ से मिल जाएगी ये भी मैं आपको बता दूंगा। ये इम्यूनोटोन प्लस है, स्क्रीन पर शो भी हो रही है, तो आपने ये मेडिसिन ले लेनी है, सिर्फ 7 दिन का ये कोर्स करवाना है अपने बर्ड्स को। अच्छा, आपने ये यूज़ किस तरह करवानी है, आपने करना है कि शाम को जिस तरह हम अपने बर्ड्स का पानी निकालते हैं आपने पानी निकाल लेना है, पानी जब निकाल लेना है सुबह फर्स्ट टाइम जब आपने अपने बर्ड को प्रोवाइड करना है पानी, जिस तरह कोई ऑफिस जाने वाले मेरे भाई बहन हैं तो ऑफिस जाने से पहले जब पानी प्रोवाइड करते हैं 1 लीटर के अंदर सिर्फ 1 cc देना है, 1 लीटर के अंदर सिर्फ 1 cc, इससे ज़्यादा ये यूज़ नहीं करवाना। और इसकी जो वैसे जो है इसको जो यूज़ करवाने की मकदार है वो यही है कि 3 लीटर के अंदर 1 cc, लेकिन हमने 1 लीटर में 1 cc इसलिए देना है कि हमने सिर्फ 7 दिन का ही कोर्स करवाना है, उसके बाद हमें पूरे ब्रीडिंग सीजन के अंदर इसको कोर्स करवाने की जरूरत है नहीं अपने बर्ड्स को, क्योंकि इससे जो ये है कि आपका मेल जो है प्रॉपर जो है फर्टिलिटी की तरफ चल जाएगा, अगर उसमें कोई इस तरह का इशू है भी वो भी सॉल्व हो जाएगा, अगर वो हीट पर नहीं आ रहा वो भी सॉल्व हो जाएगा, फीमेल हीट पर नहीं आ रही वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ये साइमंस कंपनी का है, तो आपको किसी भी ये जो है वेटरनरी वाली शॉप है आपको वहाँ से ये प्रोवाइड हो जाएगा। इसकी जो प्राइस है इस टाइम जो है, पहले जो मैंने पिछले साल प्रीवियस ईयर लिया था 350 का था, इस साल ये लगभग ये 450 रुपये का मुझे मिला है, तो ये आपका पूरा सीज़न आराम से चल जाएगा, इतना महंगा भी नहीं है। आपने अपने हर बर्ड को प्रोवाइड करना है, आपने देना यही है 1 लीटर में 1 cc देना है, शाम को जब आप पानी चेंज करते हैं तो पानी आपने वो चेंज कर देना है, सिर्फ 7 दिन यूज़ करवाना है, इंशाल्लाह आपने इसका कमाल देखना है। इसमें यह है कि आपका बर्ड ऑटोमेटिकली हीट पे आ जाएगा, जो नहीं आ रहा जो फीमेल हीट पे नहीं आ पा रही अगर वो भी हीट पे आ जाएगी, और जो मेन इसका जो इशू है जो मेल का होता है इसमें जो क्रॉस करता है तो अंडा जो है फर्टाइल नहीं होता, फर्टाइल ना होने की वजह ये वो भी दूर कर देगा। अक्सर अवकात के जो दोस्त भाई जो हैं पेड़ ले लेते हैं, पेड़ लगाते हैं, बच्चे अंदर बच्चा नहीं बनता, तो उसके लिए खास तौर पे ये इलाज है, अगर किसी भाई के पास ऐसा पेड़ हो जिसके अंदर वो फर्टाइल ना हो रही हो, मतलब कि मेल फर्टाइल ना कर रहा हो, फीमेल एग लेइंग कर रही हो, तो वो अपने बर्ड्स को ये यूज़ करवाए, लाजमी यूज़ करवाए, इससे बहुत फायदा हासिल होगा। तो ये वीडियो सब दोस्तों के लिए है, सब दोस्त इसको वॉच करें, मुकम्मल देखें और इसको प्रॉपर इस तरीके से इस्तेमाल करवाएं, सिर्फ 1 लीटर में 1 cc, सिर्फ 7 दिन, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करवाना, काफ़ी ये गर्म होता है, हीट पर आता है बर्ड को फ़ौरन। तो सब भाइयों को ये वीडियो पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा, अपने भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।